जिस पल का इंतजार पूरी खान फैमिली को था आखिरकार वो आ ही गया। मुंबई क्रूज ड्रग केस में फंसे आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। आर्यन खान को इस मामले में पूरे 26 दिनों के बाद जमानत मिली है। हालांकि आर्यन खान की जमानत के बाद अभी उनकी रिहाई संभव नहीं हो सकी है। आर्यन खान की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट में सीनियर वकील मुकुल रोहतगी की दलीलों के अनुसार आर्यन को बीते दिन जजमेंट कॉपी नहीं मिल सकी, इसलिए उसकी जेल से रिहाई नहीं हो सकी। आपको यहाँ बता दें, आर्यन के अलावा इस मामले में फंसी मॉडल मुनमुन धमीचा और अरबाज मर्चेंट को भी बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई है। आर्यन खान को जेल की सलाखों के पीछे से बाहर लाने के लिए उनके पिता शाहरुख खान को इतने दिनों में कई सारे पापड़ बेलने पड़े, जिसके बाद शाहरुख खान ने देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल और सीनियर वकील मुकुल रोहतगी को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी। मुकुल रोहतगी के अनुसार आर्यन, अरबाज और मुनमुन तीनों को जमानत मिलने के एक या दो दिन में रिहा किया जाएगा। आर्यन खान की तरफ से हाई कोर्ट में दलीलें पेश करने वाले वकील मुकुल रोहतगी ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया पहले भी दी थी। निचली अदालत से आर्यन की याचिका खारिज होने के बाद मुकुल ने एनसीबी की आलोचना करते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी को शुतुरमुर्ग बताया था। मुकुल रोहतगी ने कहा था कि एनसीबी के पास आर्यन को कैद में रखने का कोई ग्राउंड नहीं है, वो रेत में अपना सिर छिपाए शुतुरमुर्ग की तरह काम कर रही है। आर्यन खान को आज एक सेलिब्रिटी होने की कीमत चुकानी पड़ रही है। वहीं अगर आर्यन केस से ही जुड़े दो अन्य मामलों की बात करें तो उनमें से एक ये है कि केपी गोसावी, जिस पर वसूली का आरोप है और जो फरार चल रहा था, जिसकी सेल्फी आर्यन खान के साथ खूब वायरल हुई थी, उसे पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया है। गोसावी को 5 नवंबर तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है। वहीं इससे जुड़े एक अन्य मामले में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जब राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा कि मुंबई पुलिस उन्हें सीधे गिरफ्तार नहीं करेगी बल्कि 72 घंटे पहले उन्हें इसका नोटिस देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।